कंगना रनौत से माफी नहीं मांगेंगी तापसी पन्नू। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं हूँ सस्ती कॉपी। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कंगना रनौत की बहन रंगोली ने तापसी पन्नू को ट्विटर पर काफी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने तापसी पर आरोप लगाया था कि तापसी अपना फिल्मी करियर कंगना को कॉपी करके चला रही है। रंगोली ने ट्विटर पर तापसी को कंगना रनौत की सस्ती कॉपी भी बताया था। हालांकि रंगोली के इस आरोप पर ट्विटर पर तापसी ने कोई पलटवार न करते हुए इस मामले को इग्नोर कर दिया था। आपको बता दें, इस झगड़े की शुरुआत तब हुई जब तापसी ने फिल्म जजमेंटल है क्या के ट्रेलर की तारीफ करते हुए कंगना का नाम नहीं लिया। तापसी के इस ट्वीट के बाद रंगोली ने काफी अपशब्द कहते हुए ट्विटर पर तापसी को जमकर सुनाया। इस मुद्दे को इग्नोर कर चुकी तापसी ने हाल ही में एक खास बातचीत में कहा कि देखिए, जो लोग मेरी जिंदगी में मायने नहीं रखते, कम से कम उनके चक्कर में मैं अपना ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा सकती। लोग ट्विटर पर मुझे क्या कहते हैं उससे मुझे क्या फर्क पड़ना। अगर वो मेरी दोस्त हो या मेरी करीबी हो या फिर इस तरह से मेरे साथ बर्ताव करे, तब तो मुझे दुख होता। वो खुद ही कहती है कि वो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं, तो उनके हिसाब से मैं बहुत सस्ती हूँ और कॉपी तो मैं उनके हिसाब से हूँ ही, तो हो गई ना सस्ती कॉपी, तो मुझे उनके इस टैग से कोई फर्क नहीं पड़ता। तापसी ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं हमेशा से एक एक्ट्रेस के तौर पर अपने काम की सराहना करती हूँ और मेरी नज़र में उनकी जगह काफी ऊपर थी। मैं उनकी बेबाकी और उनकी एक्टिंग से बहुत प्रभावित थी, लेकिन जिस तरह ट्विटर पर अपशब्द कहे गए उसके बाद मेरी नज़र से उनकी वो इमेज निकल गई। अब वो क्या कहती है मुझे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। तापसी ने इस बातचीत के दौरान ये भी कहा कि अगर वो सोशल मीडिया पर अपनी राय कुछ ट्वीट करती हैं, तो इस पर लोग उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दें, या फिर अगर कंगना चाहती हैं, तो इस पूरे ट्विटर प्रकरण को लेकर मैं उनसे माफी मांगूं, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे अपने किसी स्टेटमेंट को लेकर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने किसी को कभी गलत नहीं कहा, इसलिए मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। खैर, आपको बता दें कि तापसी जल्द ही मिशन मंगल में भी नजर आने वाली हैं और इस फिल्म में उनके साथ सोनाक्षी सिन्हा, विद्या बालन, नित्या, कीर्ति कुल्हाड़ी और अक्षय कुमार भी अहम रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म 15 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी।